अच्छा जी, एनालिसिस पर हम थे। किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन मेथड में, उसमें ये चीज देखी जाती है कि जो कि वो थोड़े मैसेजेस भेजे, ठीक है। इसमें तीन पैरामीटर्स हैं या तीन मैट्रिक्स हैं जिनके ऊपर हम इसको एवेलुएट करते हैं, और जो ज़ाहिर बात है जितने आप थोड़े मैसेजेस भेजेंगे तो उस प्रोसेस को उतना ही थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है, रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए और बाकी जो प्रोसेसेस हैं उनको भी, कि वो आपका रिसोर्स कितनी देर में आप उसको रिसोर्स से एग्जिट हो रहे हैं। तो इसके लिए तीन मैट्रिक्स यूज होते हैं, वी हैव अ बैंडविड्थ, वी हैव अ क्लाइंट डिले एंड वी हैव अ सिंक्रोनाइजेशन डिले। अब बैंडविड्थ से मतलब क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस सेंट इन ईच एंटर एंड एग्जिट ऑपरेशन, ठीक है। एंटर और एग्जिट ऑपरेशन में आप जितने नंबर ऑफ मैसेजेस सेंड करते हैं वो आपका बैंडविड्थ है जो कि आपने कंज्यूम किया। क्लाइंट डिले ये है कि वो डिले जो किसी भी प्रोसेस की तरफ से, ठीक है, ऐसा डिले जो किसी भी प्रोसेस की तरफ से हो एट ईच एंटर एंड एग्जिट ऑपरेशन। एंटर और एग्जिट ऑपरेशन में जो टाइम कोई भी प्रोसेस लेता है वो उसका क्लाइंट डिले है। व्हेन नो अदर प्रोसेस इज इन और वेटिंग, अब ये हम क्या कह रहे हैं, व्हेन नो अदर प्रोसेस इज इन और वेटिंग, यानी कि आपका एंटर से लेके एग्जिट तक का टाइम जो है वो आपका क्लाइंट डिले का टाइम है। यानी कि आपने रिसोर्स को एक्सेस शुरू किया ना, तो आपके एंटर फंक्शन में आप थे और अब आप एक्सेस रिसोर्स में चले गए, और जिस वक्त आप एग्जिट फंक्शन को कॉल करते हैं, आप मैसेज सेंड करते हैं एग्जिट फंक्शन का, तो उससे पहले का टाइम के अब आप एग्जिट फंक्शन आपने कॉल कर लिया और आपने क्या किया, आपने मैसेज सेंड कर दिया कि जी मैंने जो है उस रिसोर्स को छोड़ दिया है, ठीक है। तो उस एंटर फंक्शन के टाइम से लेके एग्जिट फंक्शन तक का टाइम जो एक क्लाइंट ले रहा है, ये वो डिले है जो कि एक क्लाइंट ऐड कर, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा आपका जो है दैट इज सिंक्रोनाइजेशन डिले। अब सिंक्रोनाइजेशन डिले से क्या मतलब है, ये भी वो इट इज आल्सो अ टाइम इंटरवल, लेकिन टाइम इंटरवल क्या है कि जब एक प्रोसेस, कोई एक प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ता है यानी एग्जिट कर रहा है, उस वक्त से लेके वो टाइम जब नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसमें एंटर होता है क्रिटिकल सेक्शन का, यानी कि वो अपना एंटर फंक्शन कॉल करता है, यानी कि वो बेसिकली प्रोसेस जो वेट कर रहा था, वो प्रोसेस आपने क्या किया था, उस प्रोसेस ने, अगर हम अभी हम चले सेंट्रल के परस्पेक्टिव से देखते भी है, लेकिन उसमें वो प्रोसेस क्या कर रहा होता है कि वो प्रोसेस जो है जब वो मास्टर से रिक्वेस्ट करता है तो वो तो वेट में चला जाता है, तो उसका जो है वो टाइम वहां से शुरू हो जाता है कि वो अब वो तो एंटर फंक्शन उसका तब जो है होगा कि जब उसको क्रिटिकल रिसोर्स मिलेगा। वन प्रोसेस एग्जिटिंग अ क्रिटिकल सेक्शन एंड नेक्स्ट प्रोसेस एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो ये आपका सिंक्रोनाइजेशन डिले। अब अगर हम इसको सेंट्रल एल्गोरिथम के पर्सपेक्टिव से देखें तो सेंट्रल एल्गोरिथम में हमारे पास बैंडविड्थ जो है वो बैंडविड्थ क्या बनता है कि टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस जो हमने कहा था कि एंटर और एग्जिट ऑपरेशन में है, तो यहाँ हमारे पास ये तीन मैसेज बनते हैं। एंटर के दो मैसेज हैं, ये दो मैसेज एंटर के कौन से हैं जी, कौन बताएगा, ये मैंने अभी पहले बताए भी थे, एंटर के दो मैसेजेस कौन से हैं, किससे पूछे, आप बताएं सर, इसमें इस तरह होते सेंड रिक्वेस्ट टू मास्टर और वेट फॉर टोकन। सेंड रिक्वेस्ट क्या है सर, मास्टर को रिक्वेस्ट भेजना सर। हाँ, मास्टर को आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, वो हो गया, और दूसरा मैसेज कौन सा एंटर का सर, रिस्पांस का वेट करेगा। रिस्पांस था बिल्कुल, जो बेसिकली मास्टर ने आपको कहना है कि जी ठीक है आप क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर लो, तो वो आपका दूसरा मैसेज जी। और एग्जिट मैसेज क्या है कि आपने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर लिया है, तो बस आप मास्टर को बता देते हैं कि जी मैंने एक्सेस कर लिया, इसका मतलब क्या होता है कि दैट यू आर एक्चुअली रिटर्निंग द, यू आर रिटर्निंग द टोकन, टोकन वापस भेज।
नसीर आपका माइक एक जो है ना वो म्यूट नहीं है, आप कैंडी से म्यूट कर लें नसीरुल्लाह। अच्छा अब जी हम आ जाते हैं क्लाइंट डिले पे। अब क्लाइंट डिले जो है हमने क्या कहा था, क्लाइंट डिले हमने ये कहा था कि आपका ये कौन सा डिले है कि आपका एक प्रोसेस जो है वो एट ईच एंटर एंड एग्जिट ऑपरेशन जो है वो कितना वो लेता है। यानी कि अगर हम इस डिले को इस केस में कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके दो मैसेजेस की लेटेंसी बन रही है। लेटेंसी क्या है कि आपने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट की है, अब वो रिक्वेस्ट मैसेज कितनी देर में मास्टर तक पहुंचा है और उसके बदले में मास्टर ने कितनी देर बाद आपको जो मैसेज भेजा वो आपको मिला है। अगर हम इन दो मैसेज की लेटेंसी देखें तो बेसिकली दिस इज अ राउंड ट्रिप टाइम। तो ये क्लाइंट से कितना डिले ऐड कर रहा है क्लाइंट इसमें, वो उसका वो राउंड ट्रिप टाइम है जो कि उसका यहाँ पे डिले बन रहा है। और यहाँ से अब आपने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना शुरू कर दिया। अब आपने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस किया, एक्सेस करके आप क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट हो गए, ठीक है। जो ही आप एग्जिट हुए तो आपने क्या किया, आपने एग्जिट का मैसेज सेंड कर दिया। नाउ हियर कम्स दी सिंक्रोनाइजेशन डिले। सिंक्रोनाइजेशन डिले क्या है कि आपने आपका एक प्रोसेस एग्जिट करता है क्रिटिकल सेक्शन को और नेक्स्ट प्रोसेस एंटर होता है। यानी अब यहाँ पे भी हमारे पास दो मैसेजेस की लेटेंसी है और वो क्या है कि आपने रिलीज किया, ठीक है, आपने एग्जिट फंक्शन कॉल हुआ ना, आपने मैसेज भेजा तो रिलीज किया वो वाला मैसेज, और उसके बदले में जो किसी और ने कॉल किया हुआ था और वो इंतजार में बैठा हुआ था उसको सेंट्रल सर्वर की तरफ से ग्रांट मैसेज जो भेजा गया कि ये टोकन आपका हुआ, अब आप इसे एक्सेस करें। तो ये आपका सिंक्रोनाइजेशन डिले बना, ठीक है जी। लेकिन इसमें वही इशू है जो कि हर सेंट्रल एल्गोरिदम का होता है कि वी आर स्टिल क्रिएटिंग अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि हमारा जो मास्टर है वो एक परफॉर्मेंस बॉटलनेक है और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। पहली चीज ये है कि अगर वो फेल हो गया तो इसका मतलब है कि यू अगेन नीड अ लीडर इलेक्शन प्रोटोकॉल टू अलेक्ट अ लीडर, और दूसरा ये कि अगर वो परफॉर्मेंस बॉटलनेक बन जाता है यानी कि उस पर कंजेशन आनी शुरू हो जाती है, उसका रिस्पॉन्स टाइम स्लो होना शुरू हो जाता है, तो स्टिल इसका मतलब ये कि आइदर लीडर इलेक्शन प्रोटोकॉल जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या फिर ये है कि आपके पास एक नेटवर्क में कंजेशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसका जो इलाज है दूसरा वो ये है जो सेकंड ऑप्शन है वो दैट इज द रिंग बेस्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, के बजाय इसके कि आप जो है वो किसी एक को मास्टर बना दें आप कॉर्ड बेस्ड अप्रोच यूज करें, एक रिंग क्रिएट करें और उस रिंग में आप क्या करें कि टोकन को जो है वो सर्कुलेट करते जाए। टोकन जो है वो जिसके पास होगा अगर उसने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना है तो एक्सेस कर ले। जैसे N3 है करंटली होल्ड्स द टोकन, सो N3 कैन एक्सेस अ क्रिटिकल सेक्शन। अब N3 ने जब इस टोकन को आगे पास कर दिया है तो N32 जो है, अगर N32 के पास अब टोकन आएगा, अगर N32 ने टोकन को एक्सेस करना है तो ठीक है, नहीं करना मतलब क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस नहीं करना तो यह टोकन आगे पास कर देगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यह टोकन इस तरह चलता जाएगा। लेकिन अब इसमें मसले क्या है, ये तो खैर इसका मॉडल आ गया। मॉडल ये है कि वी हैव एन प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड इन अ वर्चुअल रिंग और हर प्रोसेस जो है वो क्या कर रहा है कि वो इट कैन सेंड अ मैसेज टू इट्स सक्सेसर इन अ रिंग, सो वी हैव एग्जैक्टली वन टोकन। और जब टोकन आपके पास मतलब कोई अगर प्रोसेस जो है एंटर फंक्शन कॉल कर लेता है, लेट्स से मैं इसमें वापस आता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि N80 ने एंटर फंक्शन कॉल कर लिया, तो N80 के एंटर फंक्शन कॉल करने का मतलब ये कि नाउ इट विल वेट फॉर टोकन। तो जिस वक्त टोकन इसके पास यहाँ से पहुंचेगा ये N80 जो है वो उस वक्त जो है वो अगले फंक्शन में जाएगा, यानी कि एक्सेस रिसोर्स करेगा और एक्सेस रिसोर्स करके तो एग्जिट फंक्शन कॉल कर लेगा, ठीक है। तो एक्सेस एग्जिट का कॉल हो रहा है कि पास ऑन टोकन टू द रिंग सक्सेसर, वो
रिंग सक्सेसर को टोकन पास कर देगा. सो इफ रिसीव टोकन एंड नॉट करेंटली इन एंटर जस्ट पास ऑन द टोकन. अगर आपका एंटर फंक्शन कॉल नहीं हुआ था, यानी कि वही बात है कि आपने एक्सेस फंक्शन को एक्सेस रिसोर्स नहीं करना या रिसोर्स एक्सेस नहीं करना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपली जो है वो टोकन को आगे सक्सेसर को पास कर दें. अब अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो सेफ्टी इसमें इंश्योर हो रही है जी, क्योंकि सिर्फ एक टोकन था, एक ही टोकन हमने पास किया. व्हाट अबाउट द लाइवनेस, लाइवनेस जो है वो कितनी इंश्योर हो रही है. टोकन एवेंचुअली लूप्स अराउंड द रिंग एंड रीचेस रिक्वेस्टिंग प्रोसेसेस. हमने पहले कहा था जी कि फेलियर्स नहीं, हमने लीनियर सिस्टम दिया हुआ है, तो लाइवनेस भी एवेंचुअली इंश्योर हो रही है कि हम कहते हैं कि उसने घूम के वापस जो है ना वो रिंग में वापस आ जाता है, जिसके पास भी आना है एवेंचुअली उसको जरूर पहुंचेगा. बैंडविड्थ जो है वो हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं, आप बैंडविड्थ ऐसे इंश्योर कर रहे हैं कि पर एंटर हमारा एक मैसेज है बाय रिक्वेस्टिंग प्रोसेस बट अप टू एन मैसेजेस थ्रू आउट द सिस्टम. इसका क्या मतलब, जब आप एंटर फंक्शन में हैं तो वन मैसेज है बाय रिक्वेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है, आपका जो प्रोसेस जिसको चाहिए वो एक एंटर फंक्शन कॉल हुआ हुआ है वो उस पर इंतजार कर रहा है. बट अगर आप देखें तो अगर आप लेट से खैर चलें वर्स्ट केस में आगे बताऊंगा या चलें बता ही देता हूँ, यहाँ पे देखें ये है ठीक है, एन है, एन एंटर फंक्शन इसने कॉल किया, लेकिन क्या हुआ कि टोकन इधर चला गया, ठीक है. अब टोकन जो है वो इसका मतलब है कि अगर आगे चला गया तो इसका मतलब है कि यह पूरा घूम के इसके पास वापस आएगा, तो इट मे जो है ना वेट फॉर एन प्रोसेसेस एन मैसेजेस थ्रूपुट सिस्टम जो है ना वो इसका टोटल बन सकता है कि इसमें एन मैसेजेस होंगे तो उसके बाद ये टोटल इसका बैंडविड्थ है. अभी हम इसका ये नहीं देख रहे कि कितने, तो टोटल मैसेजेस जो है वो एन मैसेजेस हो सकते हैं. अच्छा, इसी तरह जो एग्जिट है वो एक ही मैसेज है, क्योंकि जिसका एग्जिट फंक्शन तभी कॉल होता है जब आपका टोकन होता है, और एग्जिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपने अगले को दे दिया. तो अनम आप इसको माइक को म्यूट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो. कोशिश किया करें अपने माइक का ध्यान रखें. नसीर ये जरा अनम का माइक म्यूट कर दें, आप एडमिनिस्ट्रेटर है ना कॉन्फ्रेंस के, आप अनम का माइक म्यूट कर दें. नसीरुल्लाह क्लास में है या आप भी गायब हैं? मुझे लगता है नसीरुल्लाह भी क्लास में. सर मैंने उसको मैसेज कर दिया है. वो भी लगा के ना सर, मैंने अनम को मैसेज कर दिया. चलें, अनम का भी माइक जो ना अभी तक तो वैसे म्यूट नहीं हुआ लेकिन नसीरुल्लाह भी गायब है. हां यस सर, आज उससे ओवरव्यू लेना. अभी आए ना वापस, मैं पूछता हूं. मैंने तो इवन नसीर को भी मैसेज कर दिया कि प्लीज उसका माइक म्यूट करो. दोनों ही खामोश है, नसीरुल्लाह भी खामोश है, अनम ने भी लगा के ना लगता साथ ही साइड पे रखा और उठ के चली गई. नहीं नहीं सर, मैं यही पर हूँ. नहीं ये तो आप अब आए हैं. नहीं मैं यहीं पे हूँ. मैं तो बड़ी देर से आपसे बातें कर रहा हूँ. नहीं सर, वो मेहमान आए हैं घर में तो उसलिए. अच्छा, मैंने आपसे ये कहा था कि क्योंकि आप क्लास एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप ऐसा करें कि अनम का माइक म्यूट कर दें. उनका माइक जो वो अनम्यूट है और वो खुद गायब है आगे पीछे हुए हैं. यस सर, मैं भी कर देता हूँ. अच्छा जी, वापस आते हैं हम जो है वो क्लास में. तो इसका हम एनालिसिस करने लगे थे. रिंग बेस का एनालिसिस वही हमारे जो तीन पैरामीटर्स हैं. पहला हमारा पैरामीटर है बैंडविड्थ, ठीक है. हमने बैंडविड्थ में देखा है कि हमारे एन नंबर ऑफ मैसेजेस जा रहे हैं इसमें और जो है ना एग्जिट पे एक ही मैसेज है. अगर हम क्लाइंट डिले देखें, क्लाइंट डिले कितना है, डिले क्या है क्लाइंट डिले, यही आप अगर देखें बेस्ट केस क्लाइंट डिले में क्या है. बेस्ट केस ये है कि आपके पास टोकन है और आपने एंटर फंक्शन कॉल किया. आ हा, इससे अच्छा तो कोई क्लाइंट डिले हो ही नहीं सकता, ठीक है ना. लेकिन वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस ये है कि यू जस्ट सेंड टोकन टू द नेबर. आपने अभी सक्सेसर को पास किया टोकन. ये जो मैंने एनएटी के केस में कहा, मैंने कहा कि एनएटी को टोकन
NAT enter function में call हो रहा है, लेकिन उसने अभी टोकन पास कर दिया है N6 को. अब जब वो N6 को टोकन पास कर देता है तो इसका मतलब है कि now this is the worst case. This is the worst client delay कि एक enter function को कितनी देर इंतजार करना है, N minus one messages का इंतजार करना है कि घूम के उसके पास वापस आएगा तो तभी वो जो है उसको जो है वो उसमें जाएगा, क्या कहते हैं, एक्सेस रिसोर्स की तरफ जाएगा. और सिंक्रोनाइजेशन डिले जो है वो इसका उल्टा है कि सिंक्रोनाइजेशन में बेस्ट केस क्या है. बेस्ट केस ये है कि प्रोसेस जो है वो एंटर में था और जो उसका सक्सेसर है उसको वो एग्जिट में है. नहीं नहीं सॉरी सॉरी उसका प्रीडिसेसर एग्जिट में, ये बस हमें लिखा ऐसे हुआ है. प्रोसेस इन एंटर इज अ सक्सेसर ऑफ प्रोसेस इन एग्जिट, यानी कि एक फंक्शन एग्जिट कर रहा है. अगर मैं इसी पे वापस आऊं तो मैं कुछ ही कि n5 जो है वो उसका एग्जिट कॉल हुआ है और वो अभी टोकन देने लगा और n80 जो है ना वो एंटर में आ गया. तो इसका मतलब है कि अगर यहां से यहां पे गया तो ये तो बेस्ट केस है, एंटर से एग्जिट, सॉरी एग्जिट से एंटर, एग्जिट से एंटर. लेकिन अगर इसके मुकाबले में वर्स्ट केस देखें तो वर्स्ट केस उसका उल्टा है कि एक प्रोसेस जो है वो इन एंटर है, जो एंटर में है वो इज अ प्रीडिसेसर ऑफ प्रोसेस इन एग्जिट. यानी अगर मैं इसी में वापस आऊं और मैं ये कहूं जी कि यहां पे अब मेरे इस केस में किधर गया पेन, मेरे इस केस में अब ये जो है ये कौन सा है, ये मेरा एंटर फंक्शन है, ठीक है, और ये जो है ये मेरा एग्जिट है. तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जिट कर रहा है और ये एंटर हो रहा है. तो ये पूरा घूम के वापस इसके पास आएगा, यहां से ये पूरा जाएगा, यहां से घूम के आएगा, तो तब उसके बाद ही ये एंटर हो सकता है. दिस इज द वर्स्ट केस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन डिले. ठीक है जी, अब हम एक दफा फिर इस सिस्टम मॉडल को देख लेते हैं. हमने सिस्टम मॉडल क्या स्पेसिफाई किया था, हमने कहा था जी कि हर प्रोसेस जो है वो पेयर ऑफ प्रोसेस जो है वो रिलायबल चैनल पे कनेक्ट है, टीसीपी पे. मैसेजेस जितने भी डिलीवर हो रहे हैं वो फीफो ऑर्डर में हो रहे हैं और प्रोसेसेस जो है वो फेल नहीं होते. ठीक है, जस्ट फॉर अवर रिविजन के हमने सिस्टम मॉडल क्या रखा था कि प्रोसेस फेल नहीं हो रहे, लीनियर सिस्टम है, फीफो ऑर्डरिंग है और रिलायबल है. अब हम इसके ऊपर एक और एल्गोरिदम जो है ना वो प्रपोज मतलब हम पढ़ते हैं, विच इज द रिकार्ड अग्रवाला. वो तो बेसिकली लीनियर सिस्टम के लिए है. ये रिकार्ड अग्रवाला वैसे तो लीनियर के लिए बना हुआ है लेकिन ये नॉन लीनियर सिस्टम्स के लिए भी इसके वेरिएंट्स मौजूद हैं. और ये दिस इज द एल्गोरिदम जो कि प्रोफेशनली यूज होता है. वो दो अप्रोच है लेकिन रिकार्ड अग्रवाला वो है जो कि इंडस्ट्री में यूज हो रहा है. इट्स अ क्लासिकल एल्गोरिदम एज यू कैन सी एंड इट्स फ्रॉम 1981. ये बहुत पुराना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एल्गोरिदम है. रिकार्ड अग्रवाला ने जो है ये प्रपोज किया था, इन्वेंटेड बाय ग्लेन रिकार्ड एंड अशोक अग्रवाला. ठीक है, ये इन दोनों ने जो है वो बनाया था. और इसमें टोकन बेस अप्रोच नहीं यूज होती बल्कि ये नोशन यूज करता है कॉजेलिटी और मल्टीकास्टिंग की. ठीक है, और इट हैज लोअर वेटिंग टाइम टू एंटर क्रिटिकल सेक्शन देन रिंग बेस अप्रोच. ये रिंग बेस से ज्यादा जो है मतलब थोड़ा टाइम लेता है वेटिंग टाइम और ये जो है ना ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होता है. अब इसका की आइडिया जो है वो उनसे डिफरेंट है क्योंकि जारी बात है कि दिस इज नॉट अ टोकन बेस अप्रोच. तो इसमें आप क्या करते हैं कि जब आपका कोई भी प्रोसेस जो है कोई प्रोसेस पी आए, जब वो एंटर फंक्शन कॉल करता है तो ये क्या करता है, ये मल्टीकास्ट करता है जी एक रिक्वेस्ट टू ऑल प्रोसेसेस. ठीक है, और उस मल्टीकास्ट रिक्वेस्ट में अब क्या हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस है पी आई. ठीक है, और ये प्रोसेस पी आई जो है एंटर फंक्शन कॉल करा, यानी कि ये क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहता है. तो ये क्या करेगा, ये प्रोसेस पी आई उसी वक्त एक रिक्वेस्ट को मल्टीकास्ट कर देगा और वो जो रिक्वेस्ट मल्टीकास्ट होगी वो एक पेयर है, इट्स अ पेयर ऑफ करंट टाइम स्टैम्प. ठीक है, जो उस वक्त करंट जो भी टाइम स्टैम्प है लैम्पर टाइम स्टैम्प उसके साथ जो पी आई के ऊपर है. ठीक है, करंट टाइम स्टैम्प एट पी आई, करंट लैम्पर टाइम स्टैम्प एट पी आई. नाउ इट विल वेट अंटिल ऑल अदर प्रोसेसेस हैव रिस्पोंडेड पॉजिटिवली टू द रिक्वेस्ट.
ठीक है, उसके बाद ये इंतजार करेगा कि सारे जो इसको पॉजिटिव रिक्वेस्ट करें, और जब एन माइनस वन इसको रिप्लाई मिल जाएंगे तो ये क्रिटिकल सेक्शंस को एक्सेस करेगा। यानी कि जो टोटल थे वो टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास एन थे, तो एक अपने आप को छोड़ के बाकी सारे एन माइनस वन है, तो इसका मतलब जब बाकी सारे इसको रिप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट कर। और रिक्वेस्ट जो है वो कैसे ग्रांट होती है, वो ग्रांट होती है जी द रूल ऑफ कॉजलिटी। कॉजलिटी का जो ऑर्डर है वो मेंटेन होता है। कॉजलिटी का ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, इसमें हम जिस चीज को देखते हैं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट्स में भी आप ये चीज देखेंगे और ये आप लोगों को पेपर में भी, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, के जो रिक्वेस्ट है उसमें आप देखते हैं टाइम स्टैम्प को, ठीक है, टाइम स्टैम्प बेस्ड डिसीजन होता है, और अगर दोनों की टाइम स्टैम्प सेम आ जाए तो फिर आपका जो टाई ब्रेकर है वो आपके प्रोसेस आईडी होती है। अगर टाइम स्टैम्प सेम आ जाए तो फिर टाई ब्रेकर क्या होगा, प्रोसेस आईडी होगा, ठीक है। इसके हम एग्जांपल देखते हैं, इस सारे को हम छोड़ देते हैं, ये जितने भी स्टेप्स लिखे हैं ना इसको हम फिजिकल एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से ये हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और इसमें ये N32 जो है, N32 wants to access the critical resource, so इसने क्या किया, N-1 processes, जितने भी बाकी processes थे उनको इसने messages send कर दिए। अब जब इसने message send किया तो इसने ये pair भेजा और इसने ये कहा जी कि ये मेरी process ID 32 और ये मेरी इसका timestamp चल रही है 102, जिसने इन सारों को भेज दिया। इन सारों ने इसको reply किया, ठीक है। अब इसमें ना तीन states हैं, एक स्टेट है वांटेड स्टेट, है वही एंटर, एक्सेस रिसोर्स और एग्जिट, वो तीन फंक्शंस को हम यहां स्टेट्स बोलते हैं, वांटेड, हेल्ड एंड रिलीज्ड, ठीक है। वांटेड इज लाइक एंटर, क्योंकि एंटर फंक्शन है वो वांटेड कॉल करता है, स्टेट जो है वो वांटेड हो जाती है, और जब वो एंटर फंक्शन में हेल्ड यानी कि क्रिटिकल रिसोर्स को एक्सेस करना शुरू कर देता है तो हेल्ड स्टेट में चला जाता है, और जब क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर लेता है तो उसके बाद क्या करेगा, वो जब रिसोर्स रिलीज करता है तो रिलीज स्टेट में चला जाता है। सो अभी यहाँ पे जब इसने रिक्वेस्ट की है तो इसका मतलब ये है कि आपने ये अभी वांटेड स्टेट में, अब इसने ये मैसेज भेज दिया, अब इन सब ने जो इसको रिप्लाई किया वापस इसको सारों से रिप्लाई आ गया तो ये हेल्ड स्टेट में चला गया, ठीक है। दिस मीन्स इट इज नाउ एक्सेसिंग अ क्रिटिकल सेक्शन। अब उसके बाद जब आपको, जब आप क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहे हैं तो मीनवाइल देयर आर टू अदर प्रोसेसेस, वी हैव N12 एंड N80, इन दोनों का भी की भी स्टेट चेंज होगी और ये भी अब वांटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। अब ये दोनों भी एक्सेस करना चाहते हैं, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी मल्टीकास्ट किया मैसेज अपना अपना पेयर। इसका जो इस वक्त टाइम स्टैम्प है वो ये है 115 और ये इसकी प्रोसेस आईडी होगी, ठीक है, 12, और इसकी प्रोसेस आईडी ये हो गई और ये इसकी टाइम स्टैम्प हो गई 110, ठीक है। इन दोनों ने मैसेज भेज दिया। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये है कि N3 और N5 और N6 इनका तो कोई मसला नहीं, ये तो सिंपली इन तीनों को, इन दोनों को, इसको और इसको मैसेज वापस भेज देंगे। मसला है इन तीनों का आपस में, N32, N12 और N80 का। पहली बात तो ये है कि N32 फिलहाल किसी को मैसेज नहीं भेज रहा क्योंकि वो तो अभी क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है, क्रिटिकल रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है। अब इनका आपस में क्या टाई होगा, टाई ब्रेक ये होगा कि इसका मैसेज जब इसको जाएगा, N80 का मैसेज जाएगा N12 को और N12 का मैसेज आएगा N80 को, तो किसकी टाइम स्टैम्प छोटी है। हाँ जी, N80 वाली की। अब क्योंकि N80 की टाइम स्टैम्प छोटी है, N80 कहेगा कि जी ये रिसोर्स तो मैंने एक्सेस करना, ठीक है, तो N80 N12 को जवाब नहीं देगा, ठीक है, N80 N12 को जवाब नहीं देगा, लेकिन N12 N80 को जवाब दे देगा, क्योंकि N12 ये देखेगा कि जो मेरी टाइम स्टैम्प है उससे छोटी टाइम स्टैम्प की मुझे रिक्वेस्ट आई है, तो N12 इसको जवाब दे देगा, ठीक है। और उसके बदले में N80 ने क्या किया, N80 ने इस रिक्वेस्ट को अपने पास क्यू कर लिया,
उसने कहा मैं जब एक्सेस कर लूंगा तो मैं उसके बाद तुम्हें जवाब दूंगा, ठीक है। तो N80 ने क्या किया, N80 ने N12 को जवाब नहीं दिया, उसने क्यू कर लिया और N12 ने जो है वो उसको रिक्वेस्ट का जवाब दे दिया, ये वाला, ठीक है। अब N80 के पास कितने मैसेजेस हो गए, N-2 मैसेजेस हो गए। अगर आप इसको देखें ना, आप नोड्स ना काउंट करें, जनरल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं ना, सो वी हैव N-2 मैसेजेस, स्टिल वी आर वेटिंग फॉर वन मैसेज व्हिच इज N-32 मैसेज। अब N-32 जो है ये क्या है, ये क्यों लगा हुआ है यहाँ पे, अच्छा ये वो रिक्वेस्ट मैसेज है, ये रिक्वेस्ट मैसेज था जिसके अगेंस्ट N12 ने मैसेज दिया था। तो अब N32 क्या करता है, N32 जो है जब वो रिलीज करेगा, जब वो एग्जिट स्टेट में जाएगा, N32 रिलीज करेगा तो वो इन दोनों को मैसेज भेजेगा, ठीक है, वो इन दोनों को मैसेज भेजेगा। अब N12 के पास जो काउंटर हो गया वो N-2 मैसेज हो गया और N80 के पास N-1 मैसेजेस हो गए। सो N80 जो है नाउ इट विल चेंज इट्स स्टेट इनटू अ हेल्ड स्टेट और इट विल एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन। जब ये क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर लेगा तो ये उसके बाद क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के बाद इसका स्टेटस हेल्ड से रिलीज में चेंज हो जाएगा और N80 जो है फिर मैसेज भेजेगा N12 को। ये जो काला मैसेज है ना, ये बेसिकली यहाँ पे पता नहीं क्यों शो हुआ है इसमें, लेकिन ये कि ये आप फिर ये मैसेज भेजेंगे और फिर N12 उसके बाद जो है वो भी हेल्ड स्टेट में चला जाएगा और फिर वो भी एक्सेस कर लेगा। अब अगर इसके ऊपर वापस आए और हम इसकी एनालिसिस करें, अब हम ये देखें जी कि सेफ्टी इंश्योर हो रही है कि नहीं हो रही। सेफ्टी क्या थी कि एक वक्त में कोई एक ही रिसोर्स को एक्सेस करे, तो ये इसका छोटा सा प्रूफ दिया हुआ है कि TII इज ग्रेटर देन TJ ऑफ J एंड TJJ इज ग्रेटर लेस देन TII इज लेस देन TJJ एंड TJJ इज लेस देन TII, तो तभी हो सकता है कि दोनों एक्सेस कर रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो कंडीशन कभी ट्रू हो ही नहीं सकती। आप ये कहें कि जी ये इससे छोटा है और फिर वो इससे छोटा है, 1 is less than 2 एंड 2 is less than 1 कभी भी नहीं होता, ठीक है। सो इसका मतलब है कि TII एंड TJ बोथ कैन नॉट एक्सेस अ क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। और व्हाट इफ TII इज लेस देन TJJ एंड TII रिप्लाई टू TJ's रिक्वेस्ट बिफोर इट क्रिएट्स इट्स ओन रिक्वेस्ट, ये भी एक बात है। आप ये कहते हैं कि जो प्रोसेस की है TII जो है टाइम स्टैम्प वो TJ से छोटी है, लेकिन जो PI है उसने रिप्लाई PJ की रिक्वेस्ट से पहले ही कर लिया था, रिप्लाई टू PJ रिक्वेस्ट बिफोर इट क्रिएटेड इट्स ओन रिक्वेस्ट। PI ने पहले उसको रिप्लाई कर दिया, बाद में उसकी रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है। अब आप क्या करेंगे, देन इट सीम्स दैट बोथ PI एंड PJ वुड अप्रूव ईच अदर रिक्वेस्ट, ऐसी है ना, क्योंकि उसने तो उसको पहले अप्रूव कर दिया था, बाद में उसने अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट करके उसने तो बाद में मैसेज भेजा। इसका मतलब यह है कि जब मैसेज आएगा तो TJ भी उसको अप्रूव कर देगा, वो भी भेज देगा। Then it seems like both, but then causality and Lamport timestamps at PI implies that TIJ is greater than TJ, which is a contradiction. इसकी क्या वजह, ये कंट्रोडिक्शन ये क्यों आ रहा है और ये क्यों ग्रेटर कह रहा है यहां पर, कौन बताएगा जी? किसी को लैम्पर्ट टाइम स्टैम्प याद है? किसी को भी नहीं याद। देखिए लैम्पर्ट टाइम स्टैम्प में होता ही है कि जब आप टाइम स्टैम्प किसी को बताते हैं ना तो उसके साथ आप उसकी भी टाइम स्टैम्प को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो वो उसकी जो है ना वो हो ही नहीं सकती कि आप ये कहें कि वो मैसेज रिसीव होने के बाद वो उसको, अगर वो भेज रहा है तो उसके तो अपनी ऑलरेडी टाइम स्टैम्प अपडेट हो चुकी होगी, और जब उसकी टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाएगी तो वो उसकी ऑटोमेटिकली जो TI है टाइम स्टैम्प I की है वो ग्रेटर हो जाएगी J से, ठीक है। ये मसला है यहाँ पे,
और वो ग्रेटर होने की वजह से वो खुद ब खुद कंट्रडिक्शन हो जाएगा। लैम्पर्ट टाइम स्टैम्प में ये होता है कि जब आपको एक मैसेज आता है आपकी अपनी टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाती है साथ। सो दिस सिचुएशन कैन नॉट अराइज। ये बात समझ आई है सारों को? किसको नहीं आई? किसको नहीं आई? किसी को भी नहीं आई? एक को आई सिर्फ, किरण ने कह दिया यस सर। किरण से ही पूछते हैं। किरण बताएं आप क्या समझ आई आपको? सर मुझे तो लैम्पर्ट की समझ आई हुई है। उसमें सबसे पहले इवेंट अकर होता है तो टाइम स्टैम्प वन हो जाता है, उसके बाद जब मैसेज सेंड होगा तो वो भी अपनी स्टेट को अपडेट करके मैसेज सेंड हो या मैसेज रिसीव हो वो सारी इवेंट को मतलब इंक्रीज कर देगा। फिर जब मैसेज यस सर तो इसका मतलब यह है कि वो मैसेज सेंड हो या मैसेज रिसीव हो तो वो तो सारी केसेस में वो इवेंट्स ही हैं, ठीक है। तो जब भी कोई इवेंट अकर होता है, इसकी डेफिनेशन ये है कि जब भी कोई इवेंट अकर होता है तो आपकी जो टाइम स्टैम्प है वो अपडेट हो जाती है। अच्छा जी, बहरहाल किरण आप सही बता रही थी, ठीक है, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया, आगे चलते हैं। तो इसमें लाइवनेस और ऑर्डरिंग, लाइवनेस जो है वो क्या है? लाइवनेस क्या है कि सारे के सारे एग्जीक्यूट जरूर होने चाहिए ना, तो इसमें एग्जिट हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। वर्स्ट केस क्या है इसका? वर्स्ट केस ये है कि जिसकी टाइम स्टैम्प सबसे बड़ी है उसने भी मांगा हुआ और सबने मांगा हुआ, तो यू हैव टू वेट द एन माइनस वन प्रोसेसेस कि वो सबके सब रिप्लाई करें, आप बस बैठे रहे इंतजार में, ठीक है, दिस इज द वर्स्ट केस। ऑर्डरिंग कैसे हो रही? ऑर्डरिंग ये है कि क्योंकि आप लैम्पर टाइम स्टैम्प यूज कर रहे हैं तो लोअर लैम्पर टाइम स्टैम्प के साथ जो है उसी को आप ग्रांट करते हैं, ठीक है, पहले जिसकी छोटी टाइम स्टैम्प होती है, इसलिए ऑर्डरिंग भी आप कर रहे हैं, टाइम बेस ऑर्डरिंग हो रही ना, जिसका मैसेज पहले निकला उसी की लैम्पर टाइम स्टैम्प छोटी होगी। अच्छा जी, अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस पे आ जाते हैं। Performance analysis में we have these three parameters. We have a bandwidth, we have client delay and synchronization delay. Bandwidth इसमें 2 times n-1 messages है per enter. क्यों? कौन बताएगा? 2 times n-1 ये लिखी हुई है story सारी. किसी को समझ आ रही बात की? n-1 unicast for multicast request. प्लस एन माइनस वन रिप्लाइज, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं पता किसी को? इसका मतलब ये है कि मैंने जब एंटर फंक्शन कॉल किया था तो मैंने सबको वो पेयर भेजा था, तो मैं इसमें वापस आऊं तो मैंने ये पेयर भेजा था, ये वाला पेयर, ठीक है, तो ये मैंने सबको अलग अलग करके मल्टीकास्ट मैसेज भेजा था, ठीक है, कि मैं इसमें वापस आऊं यहाँ पे ये देखिए मैंने सबको एक एक मैसेज भेजा, तो ये यूनिकास्ट मैसेजेस हैं जो सबको एक एक करके भेजा है, और फिर इन सब की तरफ से मुझे मल्टीकास्ट वापस आया है, सब ने एक एक रिप्लाई भेजा, तो ये सारों के रिप्लाई आए, ठीक है, तो दिस मींस के दिस इज द n-1 यूनिकास्ट मैसेज रिक्वेस्ट प्लस n-1 रिप्लाइज। मल्टीकास्ट मैसेज रिक्वेस्ट है लेकिन यूनिकास्ट है, मतलब मैं सबको भेज रहा हूँ लेकिन एक एक करके भेज रहा हूँ, क्योंकि मैंने TCP इंप्लीमेंट किया हुआ है, मल्टीकास्टिंग प्रोटोकॉल भी इंप्लीमेंट किया हुआ, मैंने सिस्टम मॉडल में भी डिस्कस किया था। तो वी हैव n-1 यूनिकास्ट प्लस n-1 रिप्लाइज, और ये कितना हो गया? 2 times n-1 हो गया ना मैसेजेस, और n मैसेजेस इफ अंडरलाइंग नेटवर्क सपोर्ट्स मल्टीकास्ट। अगर मैं TCP ना यूज कर रहा हूं और मैं मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरे n मैसेजेस होंगे। अच्छा, इसको तो जी कोई ना कोई एक्सप्लेन करेगा कि ये n मैसेजेस क्यों हो गया, कौन बताएगा इसकी क्या वजह होती है कि वो n मैसेजेस एकदम 2n-1 से मैं n पर आ गया?
सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप सारे, इतना तो आपको पता होना चाहिए। बिलाल आप बताएं। अच्छा मैं बताता हूँ, एक मिनट से सोच लूँ। ज्यादा देर सोच लिया। वही एक यार, मल्टीकास्ट मैसेज जो होता है ना वो एक ही मैसेज होता है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर अंडरलाइंग प्रोटोकॉल मल्टीकास्ट है, इसका मतलब है कि जो मल्टीकास्ट होगा तो वो एक मैसेज होगा सबको आप भेजेंगे, ना कि आप सबको अलग अलग टीसीपी मैसेज भेजें। जब हम टीसीपी यूनिकास्ट मैसेज भेजते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो पूरा हेडर, हर मैसेज के लिए अलग हेडर जनरेट होता है, एक सोर्स एड्रेस, एक डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स डेस्टिनेशन, सोर्स डेस्टिनेशन। जब आप मल्टीकास्ट मैसेज भेजते हो ना, तो हेडर में क्या होता है कि सोर्स एड्रेस आपका जो है वो तो वो एक है ही है ना, आपका डेस्टिनेशन भी वो एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है जो कि पूरे मल्टीकास्ट ग्रुप को चला जाता है मैसेज, ठीक है। तो वो एक मैसेज होता है, तो एक मैसेज वो हो गया और एन माइनस वन रिप्लाई हो गए, एन माइनस वन प्लस दैट वन इज इक्वल टू एन, टोटल वी हैव एन मैसेजेस। और सर रिप्लाई एक ही होगा, मतलब जितने मर्जी मैसेजेस हो रिप्लाई सब एक एक भेजेंगे, एक 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 नहीं होगा, एक एक होगा। ठहरे मैं वापस आता हूँ स्लाइड पे, ये देखें यहाँ पे सब अलग अलग रिप्लाई भेज रहे हैं। तो जब अलग अलग रिप्लाई भेज रहे हैं तो टोटल जो एन नोड्स है उसमें हमारे पास एक दो तीन चार पांच मैसेज आए ना, टोटल छह नोड्स है, तो एन माइनस वन रिप्लाई आए, ठीक है। लेकिन जो हमने मल्टीकास्ट मैसेज किया है वो मल्टीकास्ट है, क्योंकि मतलब मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल के थ्रू है, तो इसका मतलब वो एक मैसेज है जो कि आपने सारों को भेज दिया है, तो वो एक मैसेज काउंट होगा और ये सारे n माइनस वन मैसेजेस काउंट होंगे, n माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू टोटल n मैसेजेस जो कि आपने सेंड किया। अब बात समझिए, आई होप के सारे वापस आ गए। कितने लोग वापस आ गए जरा हैंड रेज करें, मुझे पता चले कौन कौन वापस आया। आंसर और नसीरुल्ला आप भी वापस आए, एक नसीरुल्ला नहीं आए जी सर, वो क्लास लगा के का। अच्छा रेज हैंड का पता नहीं, रेज हैंड ये आ रहा होता है पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करें ना, जहाँ पे लिस्ट में पार्टिसिपेंट्स आ रहे होते हैं उसमें रेज हैंड का बटन होता है। बेसिकली ये रेज हैंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड कि जी मेरा कोई क्वेश्चन है। तो अभी और चलें एक दो मिनट और इंतजार कर लेते हैं, अभी सारे लोग वापस नहीं आए। अच्छा अगर किसी को कोई बात अभी तक नहीं समझ आई, हाँ जी
अगर किसी को अभी तक कोई बात ना समझ आई हो तो ही कैन आस्क, ही और शी कैन आस्क। ये बैंडविड्थ वाला जो आपने बताया था सर, वो दोबारा से बता दें कि n माइनस 1 से हम डायरेक्ट n पे कैसे आते हैं। ये इसका अच्छा अच्छा n माइनस 1 से हम n पे नहीं आए, बेसिकली बैंडविड्थ के ना ये एंटर मैसेज के दो केस बताए हुए हैं। उसमें ये है कि हमने देखें जब इसमें सिस्टम मॉडल डिफाइन किया था ना, वापस मैं जाता हूँ सिस्टम मॉडल पे, तो यहाँ सिस्टम मॉडल में हमने ये कहा था कि जितने भी मैसेजेस हैं ये सारे मैसेजेस जो हैं ये दे आर द पेयर ऑफ प्रोसेसेस कनेक्टेड बाय रिलायबल चैनल सच एज TCP। अब जब हम ये कहते हैं कि TCP के ऊपर कनेक्टेड है, तो इसमें होता ये है कि जब हमारे पास कोई सी भी दो नोड्स होती हैं तो वो एक मैसेज सेंड करती है, ठीक है, और दूसरी नोड उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजती है, ठीक है, ये रूल होता है। अब मैं कहूँ कि अगर मेरे पास तीन नोड्स हैं, मेरे पास चार नोड्स हैं, मेरे पास पांच नोड्स हैं, मैं इसमें नोड्स बनाता हूँ, तो इसका मतलब कि मैं हर नोड को मैसेज भेजूंगा अलग अलग, ठीक है, ये मैसेजेस कहलाते हैं यूनिकास्ट मैसेजेस, कि मैं हर नोड को एक अलग अलग मैसेज भेज रहा हूँ और एक यूनिकास्ट मैसेज भेज रहा हूँ। यूनिकास्ट का मतलब होता है एक मैसेज भेजना ना, तो मैं हर नोड को एक यूनिकास्ट मैसेज भेज रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल है, तो मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मल्टीकास्ट में ये होता है कि अगर मेरे पास एक नोड है और उसके साथ लेट्स से ये तीन नोड्स कनेक्ट हैं, तो मैं एक ही मैसेज भेजूंगा और वो मैसेज सबको इकट्ठा जाएगा, ठीक है, सबको इकट्ठा मैसेज जाएगा। ये नहीं है कि कोई अलग अलग मैं मैसेज भेज रही हूँ, यूनिकास्ट मैसेजेस नहीं है, ये पूरे ग्रुप को एक ही दफा मैंने एक मैसेज भेज दिया, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ मल्टीकास्ट मैसेज। यूनिकास्ट में क्या कर रहे थे, हम एक एक भेज रहे थे, मल्टीकास्ट में हम एक ही मैसेज भेज रहे थे। जब हम एक एक मैसेज भेज रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस नोड ने कितने मैसेज भेजे, एक दो तीन चार पांच, पांच मैसेज भेजे। अगर मैं मल्टीकास्ट में देखूंगा तो मल्टीकास्ट का मतलब यह कि मैंने एक ही मैसेज भेजा होगा, ठीक है, ये दोनों में फर्क है। अब मैं वापस आता हूँ उस बैंडविड्थ के एनालिसिस पे कि बैंडविड्थ में क्या हो रहा है। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे यूनिकास्ट मैसेजेस हैं तो हम इसका मतलब है कितने मैसेज भेज रहे हैं, n माइनस 1 भेज रहे हैं, n माइनस 1 हमने रिक्वेस्ट भेजी है और उनके रिप्लाई भी हमें n माइनस 1 आए, हमने जितनों को रिक्वेस्ट किया उन सब ने रिप्लाई किया, तो हमारे पास क्या हो गया, n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स n माइनस 1। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास जो अंडरलाइंग नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल था दैट वाज अ मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल, तो इसका मतलब है कि मैंने अब n माइनस 1 यूनिकास्ट मैसेज नहीं भेजे बल्कि मैंने एक मैसेज भेजा, सिर्फ एक, वही जैसे मैंने अभी पहले बताया कि मैंने एक मैसेज भेजा सबको और वो एक ही दफा में सबको मैसेज चला गया और उसके अगेंस्ट मुझे रिप्लाई आ गए n माइनस 1, क्योंकि रिप्लाई तो जारी बात है सबने अलग अलग करना ना, तो रिप्लाई आ गए n माइनस 1। अब n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n माइनस 1 में एक, यानी कि टोटल अगर मेरे पास n नोड्स हैं तो एक मैसेज कम है ना, n माइनस 1 रिप्लाई आएंगे, वो नोड खुद तो अपने आप को नहीं भेज रही होती, तो एक मैसेज कम है और वो एक मैसेज क्या था, वो अब हमने वो मल्टीकास्ट वाला मैसेज ऐड कर लिया बीच में, तो टोटल जो हमारे पास मैसेजेस बनते हैं वो n मैसेजेस बनते हैं। आई होप कि अब ये बात समझ आ गई होगी। यस सर, समझ आई। अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास एग्जिट पे कितने मैसेजेस हैं। एग्जिट का मतलब ये है कि जिस वक्त आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि एक्सेस रिसोर्स खत्म हो गया, मतलब मैंने रिसोर्स को जितना एक्सेस करना था, क्रिटिकल सेक्शन को जितना एक्सेस करना था कर लिया, तो मैं अब एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट करने का क्या मतलब है, मैं सबको बता रहा हूँ कि जी मैंने जो क्रिटिकल सेक्शन है उसे एक्सेस कर लिया है। तो अब इसमें वही डेफिनेशन है जो हमने बैंडविड्थ के लिए पहले यूज की है रिक्वेस्ट मैसेजेस के लिए शुरू में, कि मैंने क्या करना है, या अगर मैं यूनिकास्ट मैसेजेस भेज रहा हूँ तो n माइनस 1 थे ना, तो इसमें भी यही है कि एग्जिट अगर मैसेज यूनिकास्ट है तो n माइनस 1 होंगे क्योंकि वो सिंगल मैसेज होगा, और अगर वो मल्टीकास्ट पे मैं भेज रहा हूँ क्योंकि मैंने सारों को भेजना है, सबको बताना ना कि मैं एग्जिट कर रहा हूँ, तो मैं वो एक मल्टीकास्ट मैसेज भेज दूँ, बस खत्म, बात खत्म, ठीक है,
वही कॉन्सेप्ट जो है वो जो हमारा एंटर के लिए था वही हमने एग्जिट के लिए भी यूज किया. फर्क सिर्फ ये है कि एंटर में दो मैसेज होते हैं, एग्जिट में एक होता है, तो इसलिए एग्जिट में वो एक मैसेज ही बन गया. रिप्लाइज है ही कोई नहीं, रिप्लाइज की जरूरत ही नहीं है एग्जिट. और क्लाइंट डिले, जी 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 सर समझ आ गई. अच्छा क्लाइंट डिले जो है वो क्या होगा यार? अब हमारे पास जो क्लाइंट डिले है वो है वन राउंड ट्रिप टाइम. वन राउंड ट्रिप टाइम का क्या मतलब है कि वो कितना टाइम है जो कि, अब फिर बात है क्लाइंट डिले की डेफिनेशन क्या थी. क्लाइंट डिले की डेफिनेशन ये थी कि जब आप एंटर का मैसेज भेजते हैं और आपको रिप्लाई मैसेज आता है, तो वो वन राउंड ट्रिप टाइम है आपका क्लाइंट डिले. और क्योंकि सबसे अलग अलग आ रहा है तो ये क्लाइंट डिले क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है. हर नोड ने आपको अपनी जगह अलग जवाब देना है, तो जो मैक्सिमम आपको जो रिप्लाई आखिरी आएगा ना वो आपका मैक्सिमम क्लाइंट डिले होगा, क्योंकि आप हर नोड के साथ वन टू वन कनेक्टेड है ना. तो जो आपको मैक्सिमम किसी भी एक नोड से मैसेज आपने मतलब उसको एंटर के लिए रिक्वेस्ट मैसेज किया था और उसने आपको रिप्लाई किया था, तो वो आपका वन राउंड ट्रिप टाइम बन रहा है. और सिंक्रोनाइजेशन डिले जो है ये क्या था, ये था कि एक प्रोसेस एग्जिट हो रहा है और दूसरा प्रोसेस एंटर हो रहा है. ठीक है, अब अगर आप इस केस में देखें रिकार्ड अग्रवाला में, तो जब आप एग्जिट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सबको एक मल्टीकास्ट मैसेज भेज देते हैं. ठीक है, और उसके बाद जोन सी नोड है जिसने जो कि ऑलरेडी इंतजार करी थी, क्योंकि बाकी नोड्स ने जो है जिन्होंने बाकी ने रिसोर्स लेना था. अगर हम इस केस में वापस आए यहाँ पे इस केस में वापस आए तो ये देखें कि N12 और N80 ये दोनों इंतजार कर रही हैं. ठीक है, ये दोनों इंतजार में बैठी हुई हैं. और N32 ने क्या किया, N32 ने जिस वक्त एक्सेस कर लिया है रिलीज किया, तो उसने दोनों को जवाब दे दिया. ये जो इसने दोनों को जवाब दिया है बस ये वन मैसेज है. इसके एग्जिट से इसके अब हेल्ड स्टेट में जाने के ये जो टोटल टाइम है ये इसका सिंक्रोनाइजेशन टाइम है. ठीक है, और अगर मैं N12 के केस में देखूं तो N12 के केस में क्या होगा कि जब N80 जो है इसका स्टेटस हेल्ड से रिलीज में होगा, हेल्ड खत्म हो जाएगा और ये रिलीज स्टेट में जाएगा, तो जो इसके रिलीज से इसके हेल्ड में जाने का टाइम होगा वो भी ये एक वन ट्रांसमिशन टाइम होगा. ठीक है जी, तो ये इसका टोटल सिंक्रोनाइजेशन डिले बनता है रिकार्ड अग्रवाला. अब इसके बाद हमारे पास एक और एल्गोरिदम है, माइकावा एल्गोरिदम. माइकावा एल्गोरिदम ये कहता है कि आप जो रिकार्ड अग्रवाला है आप उसमें कर ये रहे हैं कि आप तमाम प्रोसेसेस जो ग्रुप में हैं उनके रिप्लाईज का इंतजार करते हैं. ये तो बड़ा टाइम जाया कर देते हैं आप बैठे रहते हैं और आप इंतजार करते हैं कि जी सारे रिप्लाई करेंगे तो तब ही मैंने जो है ना वो रिकार्ड अग्रवाला को मतलब रिकार्ड अग्रवाला बोल रहा हूँ, सारे ही रिप्लाई करेंगे तो मैं जो है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करूंगा. ठीक है, N-1 प्रोसेसेस के इंतजार में मैं बैठा रहता. लेकिन अगर मैं इसकी जगह एक और अप्रोच डिजाइन करूं, मैं ये कहूंगी कि कुछ प्रोसेस मुझे जवाब दे दें तो मैं इसकी बेस पे जो ना एटलीस्ट लाइसेंस दे दूं. मैं कुछ बस ठीक है जी, अगर कुछ ने जवाब दे दिया है तो इसका मतलब है कि मैं अब उसे एक्सेस कर सकता हूं. ये कुछ की डेफिनेशन वही कोरम की डेफिनेशन है. वापस हम कोरम की डेफिनेशन पे जा रहे हैं. हम ये जो सम प्रोसेसेस है दिस मींस वी आर सेइंग कि अगर मेजॉरिटी ऑफ प्रोसेसेस जो है वो हमें रिप्लाई कर देते हैं तो हम क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं. क्योंकि जिसके पास मेजॉरिटी रिप्लाई आ जाए, जिस भी प्रोसेस के पास मेजॉरिटी रिप्लाई हो वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सके. ठीक है, क्योंकि हमने साथ ये भी इंश्योर करना है कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस एक्सेस कर रहा हूँ. ये ना हो कि हम कहें जी कि वो एक को कुछ ने जवाब दे दिया तो वो एक्सेस कर ले, दूसरे को भी कुछ ने जवाब दे दिया वो कह दिया मुझे भी तो जवाब मिल गया, तो इस तरह नहीं है. उसमें यह है कि आपने ये भी इंश्योर करना है कि ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस इट. ठीक है, तो उसका तरीका यही है कि आप कोरम्स डिजाइन करें. अब जो माइकावा है, माइकावा जो अप्रोच यूज करता है वो वोटिंग सेट की अप्रोच यूज करता है. वोटिंग सेट का क्या मतलब है, वोटिंग सेट का मतलब ये है कि आपका हर प्रोसेस जो है वो ईच प्रोसेस विल बी एसोसिएटेड विद सम वोटिंग सेट VI ऑफ द प्रोसेस. जी 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 नुमान बोले.
बोल नहीं रहे थे, वैसे ही आवाज आ गई बीच में। क्यों भाई नुमान? अच्छा चले, each process pi is associated with a voting set vi of processes and each process belong to its own voting set. मतलब हर process pi जो है वो किसी और voting set में भी होगा, लेकिन उसके अलावा वो अपनी voting set में भी होगा, यानी कि हर process की अपनी एक voting set भी होगा जिसका वो अपना member जरूर होगा, plus उसके अलावा वो कुछ और processes के voting set का भी member होगा, ठीक है? ये मायकावा का rule है। दूसरा ये कि आपके जितने भी वोटिंग सेट हैं वो नॉन एम्प्टी होने जरूरी हैं, दे मस्ट बी नॉन एम्प्टी। मतलब हर वोटिंग सेट में जो है वो एक ना एक प्रोसेस जरूर होगा, ऑब्वियसली अगर वो होगा उसकी वजह ये है कि वो वोटिंग सेट उस प्रोसेस का अपना है, लेकिन प्लस ये कि आपके जो वोटिंग सेट्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट भी कर रहे हो। The intersection of any two voting set must be non-empty. यानी कि मैं अगर कहता हूँ कि जी P1 और P1, P2, P3 तीन process हैं, ठीक है, और मैं उनकी voting sets को आपस में intersect करता हूँ, तो P1 और P2 जहाँ intersect करेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उसमें P2 को होना जरूरी है या P1 का P2 के voting set में होना जरूरी है, ठीक है? मैं अगर इसको इस तरह से design कर लूँ, मैं कहूँ जी कि ये एक voting set है, ये एक और वोटिंग सेट है और ये एक और वोटिंग सेट है, ऐसे लेट्स से मैं ऐसे डिजाइन कर लेता, तो मैं कहता हूँ जी कि ये P1 का वोटिंग सेट है, ठीक है, ये P2 का वोटिंग सेट है और ये वाला गलत बन गया, इसको हम काट देते हैं, ठीक है, ये वाला नहीं है, हम इसकी जगह एक P3 का वोटिंग सेट डिजाइन करते हैं जो हम यहाँ बना देते हैं, ऐसे ऐसे बना देते, तो ये P3 का वोटिंग सेट है। तो अब P3 के वोटिंग सेट में आप देखें P1 आ रहा है, P1 के वोटिंग सेट में खैर दो आ रहे हैं, P2 और P3 दोनों आ रहे हैं, और P2 के वोटिंग सेट में जो है वो P1 भी आ रहा है और P2 भी आ रहा है, ठीक है? तो ये एटलीस्ट जो है ना वो उसको कहीं ना कहीं उसकी इंटरसेक्शन जो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन जरूर होनी चाहिए, ठीक है? तो इसको खत्म कर देते हैं और अजान का टाइम भी हो गया, ठहरने थोड़ा सा। अच्छा जी, इसको जरा मैं रेस कर लूं। अच्छा, और इसको हम यहाँ पे कॉरम बोलते हैं, ठीक है? अब इसके लिए एक और रूल है, एक और रूल ये है कि जो वोटिंग सेट है उसका साइज होना चाहिए के का, ठीक है? जबकि के से क्या मतलब है, यहाँ पे के क्या है, के है वोटिंग सेट के कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है, दैट इज ऑफ साइज के। लेकिन उसके ऊपर मायकावा ने मुख्तलिफ अप्रोच दी है, लेकिन उसमें ये उसने कहा जी कि ये जो अप्रोच है ना दिस इज द बेस्ट अप्रोच, कि वोटिंग सेट के जो के मेंबर्स हैं उसको इट ईच प्रोसेस, एक और ये देखिए ये तो वोटिंग सेट का साइज हो गया ना, फिर हम ये कह रहे हैं कि ईच प्रोसेस बिलोंग टू एम अदर वोटिंग सेट्स, कि कोई भी प्रोसेस जो है वो एम अदर वोटिंग सेट्स में हो। मायकावा ये कहता है कि अगर आपके वोटिंग सेट का साइज है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक वोटिंग सेट में 5 मेंबर्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक प्रोसेस को 5 वोटिंग सेट्स में भी होना चाहिए, ठीक है? ईच प्रोसेस बिलोंग्स टू एम अदर वोटिंग सेट्स। एक प्रोसेस अगर एक वोटिंग सेट के 5 मेंबर हैं तो एक प्रोसेस को 5 डिफरेंट वोटिंग सेट्स में भी होना चाहिए, और इसके लिए जो बेस्ट रूल वो कहता है, वो बेस्ट रूल है के इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ एन। स्क्वायर द रूट ऑफ एन का क्या मतलब है कि एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स है, यानी मैं ये कहता हूं कि लेट्स से कि अगर मेरे पास 16 नोड्स हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास एटलीस्ट 4 वोटिंग सेट्स होंगे और हर वोटिंग सेट के अंदर 4 प्रोसेसेस होंगे, ठीक है?
मेरे पास चार वोटिंग सेट होंगे और हर प्रोसेस, हर वोटिंग सेट के अंदर चार जो है वो प्रोसेस होंगे। ये माइकावा का जो है ना, माइकावा कहता है कि दिस इज द बेस्ट रूल, ठीक है। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू पुट n processes in square root n by square root of n matrix. आप उन्हें square root of n by square root of n matrix में डाल दें तो आपके जो है ना वो n processes उसमें distribute हो जाते हैं. For each pi, उसमें क्या होगा कि हर pi जो है उसका voting set vi होगा. So जो row है, मतलब जो set vi बनता है वो क्या होगा, vi equals to उसके जो voting set है, row containing pi plus column containing pi, ठीक है। तो वो एक पूरा वो इस तरह उसका set निकल जाएगा बीच में. So size of voting set जो है उसमें बनता है 2 times square root of n minus 1 बनता है, ठीक है। लेकिन ये मतलब फिर मुख्तलिफ तरीके हैं, आप इसको मुख्तलिफ तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इसने एग्जांपल में ये वाला लिया हुआ है वोटिंग सेट। इसमें आप देखें कि वी हैव 4 प्रोसेसेस P1 P2 P3 एंड P4 और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे ये जितने भी प्रोसेसेस हैं हमने इनको डिफरेंट वोटिंग सेट्स में, मतलब हर प्रोसेस का अपना एक वोटिंग सेट है। P1 का वोटिंग सेट है ये वाला V1, ठीक है। तो P1 जो है उसके वोटिंग सेट के साथ V2 भी इंटरसेक्ट हो रहा है, V4 भी हो रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि अगर आप ये देखें तो हमने इसको मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। ये 4 थे ना, ये 4 प्रोसेसेस है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बल्कि ऊपर दी हुई है, ये दी हुई है, ठीक है। हमने कहा जी कि n इज इक्वल टू 4 है तो हमने मैट्रिक्स क्या बनाना, हमने कहा था स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी कि 2x2 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम 2x2 का मैट्रिक्स बनाएंगे ये वाला, तो इसमें अब हमारे पास अगर हम इसका वोटिंग सेट देखें P1 का, तो P1 का वोटिंग सेट ये बन रहा है, ठीक है। P1 P2 P3 उसमें आ गए। और इस तरह अगर हम P2 का देखें तो P2 का वोटिंग सेट जो है वो हमारे पास, कलर चेंज करूं, P2 का वोटिंग सेट क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है ऐसे, ठीक है। P1 P2 P4 और अगर आप इसकी बाउंड्रीज भी देखें, इसको मैं अरेज कर लेता हूं, अगर आप बाउंड्रीज हो ये आप इसको हटाएं यहां से, तो आप यहाँ देखें तो यहाँ जो इसकी बाउंड्री बन रही है वो बाउंड्री ऐसी बन रही है। P2 में हमारे पास ये आ रहे हैं P1, P2 में हमारे पास P1 और P4 आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपका जो P4 का सेट है, अगर मैं इसकी बाउंड्रीज बनाऊं P4 की, तो ये P4 मेरे पास क्या बन रहा है, P4 ये बन रहा है, ये और ये बन रहा है P4, ठीक है। P4 में क्या है, P2 है, P3 और P4 है, ठीक है ना। तो बेसिकली आप ये देखें तो ये वही वाला रूल लगा हुआ है, ये वाला, ये नीचे वाला रूल लगा हुआ है, ये वाला। तो इससे क्या हुआ कि अब अगर आप देखें तो आपके पास ये सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ, अब इसमें भी मुख्तलिफ तरह की अप्रोच है। जनरल अप्रोच ये है कि ये आपके पास जो ना वो माइकावा का जो था, हमने उसको कॉन्सेप्ट को यूज किया, ठीक है। जो माइकावा ने कोरम का कॉन्सेप्ट दिया, हमने ये कोरम्स बना लिए हैं वोटिंग लिस्ट की शक्ल में, और हमने उसमें जो ना प्रोसेसेस को डिवाइड कर दिया। सो अब यहाँ पे व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन रिकार्ड अग्रवाला एंड माइकावा, के हर प्रोसेस जो है वो इट रिक्वेस्ट परमिशन फ्रॉम ओनली इट्स वोटिंग सेट मेंबर्स, बजाय इसके कि वो अब सारे प्रोसेसेस से रिक्वेस्ट करेगा, वो क्या करेगा, वो सिर्फ अपने मेंबर्स, जो वोटिंग सेट के मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, उनसे परमिशन रिक्वेस्ट करेगा। तो जब वो परमिशन दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेजोरिटी की परमिशन होगी। जैसे मैं लेट से कहता हूँ P2 के से कहेगा P1 से और P4 से। अब अगर इसको P1 और P4 दोनों दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि तीन प्रोसेस जो है वो एक के लिए एग्री है, विच इज P2। और अगर मैं कहता हूँ कि P3 ने भी रिक्वेस्ट की हुई थी तो P3 को तो किसी ने वोट ही नहीं दिया, तो P3 के पास वोट कम हो गया, P2 के पास वोट ज्यादा हो गए, इसलिए जो है वो P2 जो है आपका सिलेक्ट हो गया। और इसी तरह से ईच प्रोसेस इन अ वोटिंग सेट गिव्स परमिशन टू एटमोस्ट वन प्रोसेस एट टाइम, ठीक है। एक और बात ये है कि क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो अगर P4 ने
ये फिर वही कोरम का ही रूल है और इसमें कोई इतनी बड़ी मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, ये वही रूल है कोरम का कि पी फोर ने क्योंकि पी टू को वोट दे दिया है तो वो पी थ्री को वोट नहीं देगा, ठीक है। तो ये मतलब वही कोरम का रूल है कि वो एक वक्त में एक ही रूल कोरम में वोट करेगा, सारे कोरम से वोट नहीं करेगा। सो ईच प्रोसेस इन अ वोटिंग सेट गिव्स परमिशन टू एटमोस्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम। अब हम इसके एक्शंस पर आ जाते हैं, रिलीज वांटेड और मतलब हमारे पास ये तीन स्टेट्स हैं, वही वांटेड, हेल्ड और रिलीज स्टेट। तो रिलीज का वह जब वोट जो है वो फॉल्स है, ठीक है, कोई भी सॉरी जब स्टेट रिलीज होती है तो वो वोट फॉल्स कर देता है, वो कहता है जी कि मैं तो जना किसी को वोट दिया ही नहीं है, वोट इज फॉल्स। तो जब भी कोई प्रोसेस जो है एट अ प्रोसेस पी आए, जब प्रोसेस एंटर में जाता है तो वो क्या करता है, वो वांटेड स्टेट में चला जाता है। और उसका मतलब क्या है कि वो रिक्वेस्ट करेगा मैसेज जितने भी प्रोसेस हैं अपनी वोटिंग लिस्ट के, उनको रिक्वेस्ट करेगा वांटेड स्टेट में जाके, मल्टीकास्ट मैसेज सेंड करेगा और वेट करेगा उनके वोट का, ठीक है। और वोट क्या करना है, तमाम प्रोसेसेस ने करना है जो कि उस वी आई के मेंबर हैं। अब जितनी देर तक वो वेट करेगा उतनी देर तक उसकी स्टेट जो है वो वांटेड रहेगी। जब उसको सारों से वोट मिल जाएगा, अच्छा इंक्लूडिंग वोट फ्रॉम सेल्फ, उसको अपना वोट भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो जब उसको सब सारों के वोट मिल जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हेल्ड स्टेट में चला जाएगा। और प्रोसेस पी आई जिस वक्त हेल्ड स्टेट से निकलेगा तो एग्जिट फंक्शन कॉल करेगा, और इसका मतलब क्या है कि वो रिलीज, उसकी स्टेट रिलीज में शिफ्ट हो जाएगी और वो जो है मल्टीकास्ट कर देगा मैसेज अपनी पूरी वोटिंग लिस्ट में सबको कि जी मैंने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर लिया है। अच्छा अब हम दूसरी स्टेट पे आते हैं। दूसरी स्टेट क्या है कि वो प्रोसेस पी आए जिसने रिक्वेस्ट रिसीव की थी किसी प्रोसेस पी जे से, वो क्या करेगा, ठीक है। एक तो वो प्रोसेस है ना जो कि क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहता था, वो पहला एक्शन था। अब दूसरा एक्शन ये है कि वो प्रोसेसेस जिनसे उस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की थी कि आप बताएं कि जी आपका वोट अवेलेबल है, वो क्या करता है। अब उसमें पहली कंडीशन ये है कि स्टेट इज हेल्ड, हेल्ड का मतलब ये कि वो खुद यूज कर रहा है, या ये कि वो खुद यूज कर रहा है, या ये कि उसने वोट ऑलरेडी किसी क्रिटिकल सेक्शन में सॉरी किसी प्रोसेस को दे दिया है, किसी और कोरम में दे दिया, ठीक है। तो जब उसने किसी और कोरम में वोट दे दिया तो उसका वोट ट्रू होगा, तो इन दोनों सिचुएशन में वो इस रिक्वेस्ट को क्यू कर लेगा। एल्स वो क्या करेगा कि वो रिप्लाई भेज देगा इस प्रोसेस पीजे को, और प्रोसेस पीजे को रिप्लाई करके अपने वोट को ट्रू कर देगा, ठीक है। अच्छा दूसरा इसका केस क्या है कि अगर ये हेल्ड स्टेट में था, अगर ये हेल्ड स्टेट में था तो इसका मतलब ये है कि नाउ दिस प्रोसेस पी आई, व्हेन प्रोसेस पी आई रिसीव्स, अच्छा नहीं नहीं ये इस तरह है कि जब कोई प्रोसेस पी आई जो है, ये तो हमने कहा था ना कि उससे आपको रिक्वेस्ट मिली थी, ये दूसरी कंडीशन ये है कि कोई प्रोसेस पी आई जो है वो आपको रिलीज का मैसेज भेजता है। रिलीज का मैसेज ये है कि वो कहता है कि जी आपने जो मुझे वोट दिया था उसका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, मैंने क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर लिया है। तो इसके बदले वो जब आपको रिलीज का मैसेज भेज रहा है, तो जब आपका कोई प्रोसेस पी आई जो है उसको कोई प्रोसेस पी जैसे रिलीज का मैसेज मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप अपने वोट को फॉल्स कर देंगे, जो वोट को आपने पहले ट्रू किया था अब आप उस वोट को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और एल्स क्या है कि आपने अगर किसी को क्यू में रखा हुआ था तो आप उसको डी क्यू करेंगे, ठीक है, उस प्रोसेस, लेट्स से प्रोसेस पी के है, तो आप उसको डी क्यू करेंगे और उसको रिप्लाई कर देंगे विद द वोट और अपने वोट को ट्रू कर देंगे, ठीक है। सेफ्टी क्या इंश्योर हो रही है इसमें, सेफ्टी इसमें कैसे इंश्योर हो रही है, कौन बताएगा? अनम आप बताएं, ये अनम सिर्फ ऑनलाइन ही होती हैं या अनम सुन भी रही होती हैं? अनम की आज मैं एब्सेंट लगाऊंगा, अच्छा अनम को बता दें, किरण मैसेज कर दें अनम को। मुनिजा आप बताएं,
सेफ्टी कैसे इंश्योर हो रही है, मेरा सवाल ये है। मैं जिन जिन से सवाल पूछ रहा हूँ ना, वो अगर जवाब नहीं देंगे ना तो उन सारों की जो है ना वो आज एब्सेंट लगेगी। सर क्योंकि रिप्लाई जो है वो सिर्फ एक ही रिसीव होता है, तो इसलिए एक प्रोसेस एक ही रिसीव करता है रिप्लाई, तो इसलिए उसकी सेफ्टी जो है। सेफ्टी हम ये इंश्योर करते थे कि हम कहते थे कि एक वक्त में क्रिटिकल सेक्शन को कोई एक ही एक्सेस कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि व्हेन अ प्रोसेस पीआई रिसीव्स रिप्लाइज फ्रॉम ऑल इट्स वोटिंग सेट्स यानी कि वीआई मेंबर्स, तो नो अदर प्रोसेस पीजे कुड हैव रिसीव्ड द रिप्लाइज फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स वोटिंग सेट मेंबर्स वीजे, ठीक है। वो तमाम प्रोसेस जो कि इसकी वोटिंग सेट के मेंबर हैं, जब उन्होंने इसको रिप्लाई कर दिया तो वो किसी और प्रोसेस पीजे को उसकी वोटिंग सेट में रिप्लाई नहीं करेंगे। तो हमने कहा जी कि जिसके पास मेजोरिटी होती है वही, मतलब मेजोरिटी नहीं, हम ये कहते हैं कि जिसको अपना पूरा कोरम वोट करता है वही सिर्फ एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मसला है, यहाँ पर हमारे पास अगर आप लोग देखें तो एक इशू आता है, वो इशू है डेडलॉक का। अगर आप इस सिचुएशन में देखें तो यहाँ पे डेडलॉक है। डेडलॉक ये है कि मैं ये कहूँ कि यहाँ पे पी टू इज वेटिंग फॉर लेट से पी फोर, पी फोर इज वेटिंग फॉर पी थ्री, पी थ्री इज वेटिंग फॉर पी वन एंड पी वन इज वेटिंग फॉर पी टू, ठीक है। सारे जो हैं वो एक एक को वोट करके बैठे हुए हैं और दूसरे के वोट के इंतजार में। तो ये हमारे पास इस तरह के साइक्लिक लूप जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, डेडलॉक्स क्रिएट हो सकते हैं कि आप सारे जो है ना वो एक दूसरे को कोरम में इक्वल सबके पास वोट आ गए, अपना वोट तो सबका है ही है और एक और वोट का वो इंतजार करें, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है ना यहाँ पर ये साइक्लिक लूप्स क्रिएट हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पी टू जो इंतजार करेगा इसको पी फोर वोट देगा, ठीक है। पी टू ने अपना वोट ले लिया और P2 को लेट से के P1 ने वोट दे दिया, ठीक है। और ये जो P4 है ये क्या कर रहा है, इसने अपना वोट ले लिया है और इसको P2 ने भी आप देखें वोट दे दिया है, नहीं नहीं P2 तो इसका वोट का इंतजार कर रहा है। तो ये जो है वो कहता है कि चलें ठीक है, P2 मेरे वोट का इंतजार कर रहा है लेकिन मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं अपने पहले कोरम में देखता हूँ ना कि मुझे कोरम में वोट आता है। तो ये P3 से वोट मांग रहा है, P3 कहता है कि जी चले मेरा अपना वोट तो मेरे पास है, मैं जरा P1 से पहले वोट मांगू। तो ये इस तरह सारे एक दूसरे से वोट मांग रहे हैं और सारे के सारे एक दूसरे के इंतजार में बैठे हैं, ठीक है। तो इस तरह के साइक्लिक लूप्स जो हैं वो आपके क्रिएट हो सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द थिंग। लेकिन ये है कि सेफ्टी इसमें इंश्योर हो रही है, सेफ्टी ऐसे इंश्योर हो रही है कि जब तक आपको पूरा कोरम वोट नहीं देगा आप जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वी आई एंड वी जे इंटरसेक्ट इन एटलीस्ट वन प्रोसेस, किसी एक प्रोसेस के लिए तो वो जरूर इंटरसेक्ट हो रहे होंगे ना, तो इसलिए पूरा कोरम किसी एक वोटिंग लिस्ट में पूरा होगा या वी आई में या वी जे में, ठीक है। क्योंकि जो पी के है इट कैन सेंड ओनली वन वोट एट अ टाइम। और लाइवनेस में ये वही केस आ गया आपका लूप वाला जो मैं आपको बता रहा था, के लाइवनेस में ये हो सकता है कि ये एक दूसरे के इंतजार में बैठे हों तो एवेंचुअली जो है वो डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। सो वी कैन नॉट गारंटी द लाइवनेस हियर, ठीक है। अ प्रोसेस नीड्स टू वेट फॉर एट मोस्ट एन माइनस वन ऑफ द प्रोसेसेस टू फिनिश क्रिटिकल सेक्शन, एन माइनस वन वो इंतजार करता है एट मोस्ट, लेकिन ये है कि आपके पास डेडलॉक इस तरह का क्रिएट होता है। हाउएवर देयर आर डेडलॉक फ्री वर्जन ऑफ दिस माइकावा एज वेल, जिसमें डेडलॉक को रिलीज करने के लिए भी मेथड्स साथ इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। अब हम इसकी परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। परफॉर्मेंस जो है वो इसकी, इसमें हमारे पास दो तीन पैरामीटर्स हैं। पहला हमारे पास है वही मतलब बैंडविड्थ है, फिर क्लाइंट डिले है, फिर सिंक्रोनाइजेशन डिले है। अब अगर हम इसमें बैंडविड्थ देखें तो बैंडविड्थ हमारे पास टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एन मैसेजेस बनते हैं पर एंटर। ये कैसे बनते हैं, हाँ ये मसले मैं बना देता हूँ। हाँ बैंडविड्थ में मेरे पास ये देखें एंटर के टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एन मैसेजेस बन रहे हैं और एग्जिट के स्क्वायर रूट ऑफ एन मैसेजेस बन रहे हैं, क्यों कौन बताएगा भाई। इसको अगर आप लोग याद कर लें तो फिर मैं सवाल पूछता हूँ कि एंटर में मेरे पास कितने मैसेजेस हैं, टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एन और एग्जिट में स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब मैं वापस जाता हूँ इस स्लाइड में,
ठीक है, और साथ मुझे बताएं जी कौन बताएगा, सारा आप बताएंगी जी सर? पूछे, मैंने तो पूछ लिया, आपने बताना है। आपने सुना ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा था? नहीं, वो एंटर और एग्जिट का तो सुना है सर, क्वेश्चन नहीं पता आपने क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन मेरा ये है कि एंटर में 2 times square root of n messages send होंगे हमारे काम में, क्यों? इस स्लाइड को देखें और बताएं क्यों। इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि आपके 2 times square root of n messages क्यों जा रहे हैं? टू टाइम्स सर, एक मिनट, और लोग भी सोचे, मैं किसी और की तरफ भी पलट सकता हूँ। और अगर किसी को समझ आ जाती है तो वो रेज हैंड भी कर सकता है। चलें जी, उष्णा आप बताएं। सर क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास जितना वोटिंग सेट होता है, जैसे कि हमारे पास 4 वोटिंग सेट है तो 4 प्रोसेसेस हो गए, और अगर हमारे पास n नंबर उसका मैट्रिक्स हमने लिया था n स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ n का लिया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमने जब कहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ n मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये है कि जो वो मैसेजेस भेज रहा है वोटिंग सेट के मेंबर्स को भेज रहा है, वो स्क्वायर रूट ऑफ n मेंबर्स हैं। और स्क्वायर रूट ऑफ n मेंबर्स को जब आप भेजेंगे तो एक तरफ के आपके मैसेजेस कितने बन गए? स्क्वायर रूट ऑफ n मैसेजेस बन गए। और फिर उन सब के रिप्लाई जो है वो आपके रिप्लाई भी आपके स्क्वायर रूट ऑफ n ही बन गए। तो इसलिए आपके जो मैसेजेस पर एंटर हैं वो 2 times स्क्वायर रूट ऑफ n हो गए, ठीक है। और इसी तरह जो एग्जिट है, एग्जिट में आपके पास सिर्फ, क्योंकि आपने अपने कोरम को ही मैसेज भेजना होता है, आप अपने कोरम से बाहर नहीं भेजते, तो वो भी आपके स्क्वायर रूट ऑफ n मैसेजेस ही होते हैं, ठीक है। तो वो आपकी, इसलिए ये रिकॉर्ड अग्रवाला के मुकाबले में देखिए कितने कम हो गए। रिकॉर्ड अग्रवाला में 2 times n-1 और n-1 मैसेजेस थे एंटर और एग्जिट के, और उसको आपने चेंज कर दिया 2 square root of n, तो ये बहुत सारा ज्यादा कम हो गया। क्योंकि मतलब अगर आप इसको ये देखें, व्हाट अबाउट 1 million, अगर आपका n जो है वो 1 million नोड्स हैं, तो इसका मतलब है आप सिर्फ 1000 मैसेजेस भेज रहे हैं। लेकिन अगर आप इस केस में देखें तो वो आप बेसिकली 1 minus 1 million मैसेजेस एग्जिट पे भेज रहे हैं, और 2 times n-1 जो है 1 million मैसेजेस भेज रहे हैं, 2 times million-1 मैसेज, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपके मैसेजेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं जब आप एक स्केलेबल सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। और इसी तरह से जो क्लाइंट डिले है वो इसमें भी 1 round trip time है। 1 round trip time इसलिए क्योंकि आपने जिसको मैसेज भेजा उसमें जिससे सबसे आखिर में आपको मैसेज आएगा वापस, तो 2 तरफ की लेटेंसी होती है ना। राउंड ट्रिप टाइम का मतलब ये होता है कि आपने भेजा और उसने जवाब दिया, तो हमारा क्लाइंट डिले क्या होता है कि आपने एंटर का मैसेज भेजा और आप इंतजार करें कि अगला आपको अलाउ कर दे, यानी कि रिप्लाई कर दे, जिसकी बेस पर आप जो है वो रिसोर्स को एक्सेस कर लें। और सिंक्रोनाइजेशन डिले जो है वो हमारा यहाँ पे अब 1 transmission time नहीं है बल्कि 2 message transmission time है। ये क्यों जी? माइकावा में वो 1 message transmission time था, यहाँ पे ये 2 message transmission time हो गया, ये क्यों? इसका कोई जवाब दे सकता है? क्यों भाई? सिंक्रोनाइजेशन डिले ऐसा ना बताएं, सिंक्रोनाइजेशन डिले में 2 message transmission time क्यों आएगा? आपने मैसेज भी कॉल, ये मेरा केस है, इसमें बताएं कि 2 time वो क्यों आ रहा है, 2 message transmission time डिले क्यों आ रहा है? ये भी नहीं, इससे पीछे जाते हैं। अगर आप देखें तो ये वाला केस है बेसिकली। हाँ जी, अच्छा जल्दी जल्दी लोग आ जाएं सारे।
सर मेरा इंटरनेट ही चला गया था। अच्छा आप इसलिए खामोश हो गई। जी सर कोई बात। मेरा ख्याल है नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ के तो फिर जो है ना वो वापस आ जाते हैं। क्या ख्याल है नसीरबा? ठीक है वैसे राइट टाइम पे डिस्कनेक्ट। चले नमाज पढ़ के तो फिर आते हैं वापस इस पे। पर सारे नुमान आ गए वापस, और भी जरा 10 से ऊपर हो जाए पार्टिसिपेंट्स। कौन रह गया? कौन कौन आज तो इतना लंबा लेक्चर हो गया, आज बस नहीं होगा? नहीं नहीं बस, ये बस अभी ट्रक भी आ जाएगा, अभी देखे अभी खत्म हो जाता है। सर बस कर दें प्लीज, ये खत्म तो होने दें। कह रहे थे कि हमने वापस आए जी, बैंडविड्थ हमने देख लिया था इसमें। अब हमने क्लाइंट, बल्कि हमने क्लाइंट डिले भी देख लिया था। हम सिंक्रोनाइजेशन डिले की बात करते हैं कि टू मैसेज ट्रांसमिशन टाइम का डिले क्यों है इसमें, इसका कौन जवाब देगा? अब सिंक्रोनाइजेशन डिले की मैं एक दफा डेफिनेशन दोबारा डिफाइन करता हूं। सिंक्रोनाइजेशन डिले वो डिले है जो आप का एक प्रोसेस एग्जिट करता है और दूसरा प्रोसेस एंटर में जाता है। यानी आप ये कहें कि एक प्रोसेस की स्टेट रिलीज हुई और दूसरे प्रोसेस की स्टेट जो है वो हो गई वांटेड। ठीक है, रिलीज और वांटेड के दरमियान का टाइम है सिंक्रोनाइजेशन डिले। तो आप बताएं कि ये इसमें टू मैसेज ट्रांसमिशन टाइम क्यों डिले है? कहां से इसी पे वापस आए? इससे आपको पता चल रहा है? नहीं इससे नहीं पता चल रहा, इससे देख के बता सकते हैं आप। मैं ये कहता हूं कि इसमें मेरे पास ये प्रोसेस है, ठीक है, और इस प्रोसेस ने, ये प्रोसेस जो है पहले वांटेड सॉरी रिलीज स्टेट में था, इसको इसने वोट दे दिया था और इसने भी इसको वोट दे दिया था, ठीक है, और इसका अपना वोट तो हो गया था। अब ये रिलीज में जाएगा तो ये क्या करेगा? और एक ये प्रोसेस, इस प्रोसेस ने एक्सेस करना है, ये किस स्टेट में है? ये वांटेड स्टेट में, ठीक है, और ये रिलीज में चला गया। अब बताएं ट्रांसमिशन डिले टू मैसेज ट्रांसमिशन डिले क्यों है? अच्छा चले अगली दफा से ना मैं क्लास असेसमेंट के भी मार्क्स रखूंगा। जब मैं कोई क्वेश्चन करूंगा ना तो जो उस क्वेश्चन का जवाब देगा, लेकिन जवाब देने का तरीका वही रेज हैंड वाला होगा, और जो बंदा जवाब देगा ना उसको साथ एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स भी मिला करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बताएं कि इसमें टू मैसेज ट्रांसमिशन टाइम क्यों है, कौन बताएगा? अभी तो सारे बड़े उछल उछल के बोल रहे थे, सारे खामोश हो गए वहां। जार आप बताओ। सर ये जो P2 ना ये रिलीज कर रहा है मैसेज को, और ये P3 वेट कर रहा है रिस्पांस का, P1 और P2 का। सर वो वेट कर रहा ना, तो देखें एक ये मैसेज है, ठीक है, जो आपने रिलीज किया, और एक ये मैसेज है, इसने कहा है कि भाई अब मैं तुम्हें वोट देने को तैयार हूँ। इसलिए जो आपका एग्जिट रिलीज से वांटेड का टाइम है वो टू मैसेज ट्रांसमिशन टाइम है जो कि आप इंतजार करें, ठीक है। और इसी को अगर आप इस तरफ से भी देखें तो इस तरफ से भी यही है कि ये रिलीज का मैसेज है और अब ये उसको कह रहा है जी कि तुम एक्सेस कर लो वोट। पहले ये इसको मैसेज करेगा तो ये इसका वोट जो है वो फॉल्स होगा, और अब इसका वोट ट्रू कब होगा? जब ये इसको मैसेज करेगा। इधर से भी टू मैसेज ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है, तो आपका जो ट्रांसमिशन टाइम है वो टू मैसेजेस का यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। अच्छा जी, why we select square root of n? Why square root of n? ठीक है, अब हमारी ये इस पे डिस्कशन है कि हमने ये कहा था जी कि जो वोटिंग सेट है उसका साइज k है, और हर और ईच प्रोसेस जो है वो
m other voting sets को belong करता है और हमने साथ ये भी कहा जी कि k should be equals to m. ठीक है, so total number of voting sets हमारे पास कितने बनते हैं? अगर हम total number of voting sets निकालें तो process में भी repeated, क्योंकि process जब कई voting sets में हो सकता है, लेकिन जो total number of voting sets बन रहे हैं वो हमारे पास k times n बन रहे हैं. n हमारे पास number of nodes हैं और k जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोटिंग सेट मेंबर्स की बात हो रही है, क्योंकि हर वोटिंग सेट में के मेंबर्स हैं और हमारे पास टोटल एन प्रोसेसेस हैं. सो इसका मतलब है कि जो टोटल वोटिंग सेट मेंबर्स हैं वो के टाइम्स एन है. एंड सिंस ईच प्रोसेस इज इन एम वोटिंग सेट, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो के टाइम्स एन डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल्स टू एन, which means that k is equals to m. तो इसका मतलब ये कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये वन के इक्वल आता है, कि एक अगर k वन है तो m वन होगा. ठीक है, ये बेसिकली इसको प्रूव किया हुआ है कि हम k equals to m क्यों ले रहे होते हैं. और कंसिडर अ प्रोसेस पी आई, अगर हम एक प्रोसेस पी आई को सिलेक्ट करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोटिंग सेट्स है, दिस इज इक्वल्स टू कितना था, मेंबर्स प्रेजेंट इन पी आई वोटिंग सेट प्लस ऑल देयर वोटिंग सेट्स. जो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग सेट्स है वो कितने बन रहे हैं, कि जो मेंबर्स हैं जो कि वोटिंग सेट में मौजूद हैं, मतलब ये ऊपर वाले की बात करें हम, ठीक है, के इन टू एन की, मेंबर्स प्रेजेंट इन दिस वोटिंग सेट वो कौन से है, वो के मेंबर्स है ना, ठीक है, एंड ऑल देयर वोटिंग सेट्स, वोटिंग सेट्स उनके क्या है, वो आपके एम वोटिंग सेट्स हैं. ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू एम माइनस वन इंटू के प्लस वन. इसको किसी कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाई दिस इज एम माइनस वन इंटू के प्लस वन? देखिए, हमने m माइनस वन इसलिए लिया है क्योंकि हमने कहा है कि ये m अदर वोटिंग सेट्स का मेंबर है. इसका मतलब है कि हमने इसमें से वो वाला वोटिंग सेट निकाल दिया जिसका प्रोसेस, जो प्रोसेस का अपना वोटिंग सेट था. ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो जो मेंबर है जो प्रोसेस बिलोंग कर रहा है वो m अदर वोटिंग सेट्स को बिलोंग कर रहा है, तो आपने उसका एक अपना निकाल के वो निकाला है, तो दैट इज m माइनस वन टाइम्स k. वो k कितने है, k उसके नंबर ऑफ वोटिंग ये है, members हैं, members present in voting sets. ये total number of voting sets हम देख रहे हैं, ठीक है, और plus one जो है वो उसका अपना है number, वो process का, ठीक है, तो ये basically process का plus one add हुआ. ज़्यादा इसमें गंद हो गया, खैर मैं इसको थोड़ा erase कर दूँ. So this means all processes in the group must be in the above. ठीक है, हम सारों को count कर रहे हैं. Or to minimize the overhead at each process k, each needs to minimize the overhead at each process k, need each of the above member to be unique. अब हम ये कहते हैं कि हमारे ये जितने भी members हैं, हम इसका overhead कम करने के लिए हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास जितने भी members हैं वो unique members ही होंगे. ठीक है, तो अगर यूनिक मेंबर्स हों तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, कि इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोटिंग सेट है दिस इज इक्वल्स टू दिस एन. सो हमारे पास क्या आ गया, एन इज इक्वल्स टू एम माइनस वन इंटू के प्लस वन. आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, और हमने कहा है कि सिंस एम इज इक्वल्स टू के, तो यहाँ पे हमने के ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एन. ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके साथ पास आ जाता है k into k और minus k plus one. और हमने क्योंकि यहाँ पे कहा था कि since ये this value is equals to one, तो हमने यहाँ value one put की है, substitute की है k की value यहाँ पे सिर्फ इस k के लिए, ठीक है, मतलब इस वाले k की जो one से multiply हुआ वो one minus one plus one is zero, वो खत्म हो गया. तो हमारे पास यहाँ से जाना वो k into k k square हो गया था, तो k is almost equals to square root of n आ गया. ठीक है, ये हमने basically ये इस बात का proof है जो हमने पहले select किया था. हमने ये कहा था कि हम जो k है वो हम square root of n के equal लेते हैं, तो वो क्यों लेते हैं, वो ये basically उसका पूरा proof है जो कि हमने यहाँ पे discuss किया. तो अब हम failures पर आ जाते हैं. there are
हमने अभी तक इसको लीनियर के लिए ही डिस्कस किया, ठीक है, बट देर आर फॉल्ट टॉलरेंट वर्जन ऑफ द एल्गोरिदम, और इसमें फॉल्ट टॉलरेंट वर्जन में माइकावा भी शामिल है, क्योंकि अगर कहीं फेलियर आ जाता है तो माइकावा जो है वो फेलियर प्रॉन किस्म का एल्गोरिदम है, वो जो है मतलब फॉल्ट टॉलरेंट वर्जन है, अगर कहीं पे फेलियर आता है तो ये उसको भी हैंडल करता है, और इसके अलावा जो फेलियर्स को हैंडल करने के लिए वो हमारे पास पैक्सिस लाइक अप्रोचेज हैं, और पैक्सिस लाइक अप्रोचेज जो हैं वो हमने पहले भी पढ़ी थी और हम यहाँ पे भी दोबारा उनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे जो गूगल चबी है अभी इसका भी मैंने पहले जिक्र किया था कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए ये मैथड यूज होता है, और दिस इज एज वी डिस्कस्ड दिस इन द लास्ट टू लेक्चर्स के जो चबी है गूगल चबी जो है दिस इज अ पैक्सिस लाइक अप्रोच, ठीक है, सो गूगल जो है वो इसको चबी को यूज करता है लॉकिंग के लिए, मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट जो है उसमें बिग टेबल मेगा स्टोर्स उन सब में ये इसको गूगल चबी को यूज कर रहा होता है, तो वहां पे जो है जितनी चबी की वाइट पेपर में इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है गूगल चबी को एज अ एडवाइजरी लॉक्स लॉकिंग के लिए क्योंकि यूज करते हैं कि जी आपने अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन वही बात है कि आपने एक्सेस करना है, तो ये एडवाइजरी लॉक्स जो है वो रिकमेंड करता है, एडवाइजरी लॉक्स ये होते हैं कि जी कोई और उसको यूज कर रहा है तो ये उस पर एडवाइजरी लॉक दे देता है कि जी द सेम रूटीन इज ऑल्सो यूज बाय सम अदर यूजर, ठीक है, तो ये एक एडवाइजरी लॉक होता है, तो रीड में तो ये सिर्फ एडवाइजरी लॉक रीड के लिए यूज होता है, अदरवाइज राइट में हो तो फिर वो उसमें डिपेंड करता है कि अपडेट करने से अगर आपका सिस्टम जो है वो हो रहा है इनकंसिस्टेंट हो रहा है तो ये फिर उसको एक्सेस नहीं करने देता, एडवाइजरी लॉक इस तरह से काम करते हैं, सो डज नॉट गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन अनलेस एवरी क्लाइंट चेक्स लॉक बिफोर एक्सेसिंग द रिसोर्स, तो रिसोर्स एक्सेस करने से पहले सारे इस एडवाइजरी लॉक को चेक करते हैं कि जी अगर लॉक है उस पर तो फिर वो उसको जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन करता है, लेकिन अगर कोई एडवाइजरी लॉक चेक ना करे और डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हो तो फिर वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर नहीं हो रही होती, ठीक है, ये गूगल चबी की एग्जांपल भी दोबारा से वही वाली है, सिर्फ उसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कैन यूज नॉट ओनली फॉर लॉकिंग बट ऑल्सो राइटिंग स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एज वेल, It relies on Paxos consensus, group of servers like one master. All server replicates the same information. लेकिन वो क्या करते हैं? Client sends request to master, which serves it locally. Client sends write request to master, which sends it to all server, gets majority among servers, and then respond to the client. करता क्या है कि quorum में server है वो सारों से पहले majority लेता है जब सब क्या देते हैं कि जी इस information को update करो क्योंकि सारे replicate कर रहे होते हैं. इसका मतलब ये कि सब पे रेप्लिकेट हो गया, तो वो जब सारे उसको कहते हैं कि जी ठीक है ओके, तो फिर जो है ना ये मास्टर क्लाइंट को रिप्लाई करता है कि जी ठीक है जी दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट व्हाटएवर द राइट यू आर ट्राइंग टू डू ऑन दीज रेप्लिकेटेड सर्वर्स, ठीक है, और अगर मास्टर फेल हो जाए तो वही बात है कि आप लीडर इलेक्शन रन करते हैं, आपने देखा था कि गूगल से अभी जो है वो लीडर इलेक्शन के लिए भी यूज होता है, और वन रेप्लिका फेलियर Just replace it. अगर कोई replica fail हो जाता है master के अलावा अगर कोई और server fail हो जाता है तो इसका मतलब ये कि आप उस replica को किसी और से replace कर दें. So ये जी हमारा आज का topic था mutual exclusion में हमने mutual exclusion हमने मतलब आज पढ़ा है जिसमें हमने ये बहुत सारे classical algorithms हैं हमने central ring base और Ricard Agrawala और Maikawa इन सब को हमने discuss किया. और इसके अलावा हमने इसमें चबी को डिस्कस किया कि चबी किस तरीके से काम करता है और अपाची जो है वो भी इसी के रूल को फॉलो करता है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपाची ज़ूकीपर इज एन ओपन सोर्स वर्जन ऑफ गूगल चबी. तो जो है ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है इसकी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम. द रीजन इज कि आपके पास ये जो क्लाउड में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको एक्सेस करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है तो वहां पे फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन मेथड्स आपके यूज होते हैं. ठीक है जी यहाँ पे हमारा ये आज का लेक्चर खत्म हो गया और बस अब हम एक अटेंडेंस कर